इस वीडियो में हम क्लास सिक्स की जो हमारी हिंदी की बुक है मल्हार, उसका चैप्टर 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मैया मैं नहीं माखन खायो। ठीक है, इसमें सूरदास जी की पंक्ति दी गई है जिसमें कि श्री कृष्ण के नटखट चरित्र को दर्शाया गया है। इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया, लेकिन उनकी जो माँ है वो उनकी बात पर विश्वास नहीं करती है, तो फिर श्री कृष्ण जी जो है वो तर्क देने लग जाते हैं। तो वो किस प्रकार तर्क देते हैं, चलिए देखते हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से हम समझते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो, श्री कृष्ण जी कहते हैं मैया मैंने माखन नहीं खाया, भोर भयो गयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। भोर यानी सुबह होते ही तो तुम मुझे गायों के पीछे भेज देती हो मधुबन में चलाने के लिए। चार पहर बंसी वट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। चार पहर यानी पूरा दिन, बंसी वट यानी बरगद का पेड़। ठीक है, पूरा दिन बरगद के पेड़ के नीचे भटकता हूँ और फिर शाम को घर आता हूँ, तो भला मैंने मक्खन कैसे खाया। मैं बालक भैयन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। भैयन यानी बाहें। ठीक है, तो फिर वो कहते हैं कि मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ और मेरी जो बाहें हैं वो भी क्या हैं, छोटी हैं, तो फिर मेरा हाथ जो है वो छीके तक कैसे पहुँचेगा। ठीक है, छीके इसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बांध के लटका दिया जाता है ऊपर और इसमें मक्खन घी दूध रख दिया जाता है ताकि कोई जानवर जैसे बिल्ली वगैरह ना गिरा दे। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं मेरे जो सखा हैं वो तो सब मुझसे क्या करते हैं, बैर करते हैं, इसीलिए बरबस यानी ज़बरदस्ती मेरे मुख पर क्या लगा गए, मक्खन लगा गए। तू माता मन की अति भोरी, भोरी यानी भोली, इनके कहे पति आयो। तो फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम तो माता बिल्कुल ही भोली हो जो इनकी बातों में आ गई। जिए तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं जिया यानी मन, तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ भेद है इसीलिए तुमने मुझे क्या समझा, पराया समझा। ये ले अपनी लघुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। ठीक है, फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं लकुटी यानी कि डंडी और कमरिया यानी कंबल, तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये ले अपनी डंडी और कंबल, ठीक है, बहुत तहिम नाच नचायो। यहाँ पर नाच नचायो से मतलब है कि गायों से परेशान होना, तो बहुत ही ज़्यादा वो क्या हो जाते हैं, गायों से परेशान हो जाते हैं, ऐसा वो कहते हैं। सूरदास तब बिहसी जसोदा ले उरकंठ लगायो। तो फिर सूरदास जी बताते हैं कि जसोदा जी जो है वो बिहसी यानी हंसना, तो वो हंसती हैं और श्री कृष्ण जी को गले लगा लेती हैं। ठीक है, उर यानी छाती या फिर गले लगाना। ठीक है, तो ये थी सूरदास जी की पंक्ति जिसमें श्री कृष्ण जी ने बताया कि किस तरह से भाई वो उन्होंने तर्क दिया कि भाई उन्होंने जो है माखन नहीं खाया। ठीक है, तो इसमें इतना ही, थैंक यू।